परिसर प्रशासन की ओर से करवाए गए राज्य समागम में 133 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया। सामूहिक विवाह समागम में शामिल लड़कियां अनुसूचित जातियों एवं गरीब परिवारों से संबंधित थी। इस समागम में कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रनिके विशेष रूप से पहुंचे। इस दौरान रनिके ने बताया कि समागम में पंजाब सरकार के अलावा समाज सेवी संस्था सोशल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी और इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की ओर से सहयोग दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस समागम का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक सहायता करना है। समागम के दौरान लड़कियों को घर का जरूरी सामान भी दिया गया। अमृतसर से अमन माहल के साथ हरजीत गरेवाल की रिपोर्ट। आज ये समागम जो लड़कियों ने कर रहे हैं और पंजाब सरकार का एक बहुत बड़ा उपराला है। इस उपराले के तहत पंजाब सरकार वालों दूसरी बार किया जा रहा है और सरदार गुलजार सिंह रनिके जो जिन्होंने रहनुमाई के सारा प्रोग्राम होया और असी उन्होंने विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने एड्डा बड़ा प्रोग्राम अपने इस इलाके तकरीबन 133 परिवार जोड़े ने उन्होंने दोनों कट्ठे हो जा रहे दोनों परिवार लड़की लड़के वाले। मैं सारे बधाई देना अपने वालों इलाके वालों श्रोमणी अकाली दल वालों पंजाब सरकार वालों तो धन्यवाद करना माणयोग मुख्यमंत्री साहब का साहब प्रकाश सिंह बादल साहब का सरदार सुखबीर सिंह जी जो डिप्टी सीएम साहब ने जोड़े पंजाब सरकार का कि इन परिवारों के जोड़े गरीब बुझी लोग जोड़े बचरे इन्ने चावे जो विह कर लग्या भी सोचते ही बड़ा लम्बा लम्बा समा से मदद वास्ते जाते कभी किसी को कभी किसी को भी साड़ी बच्ची का विह कोई साड़ी मदद करो। मैं समझता जो सरकार ने एन जी ओ चला के उपराला किया शलाघा योग्य।